सो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है फिर से न्यू ट्रेंडिंग रील्स का वीडियो एडिटिंग, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इस समय पर ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई लेकर के आ गया है इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स का वीडियो एडिटिंग। तो दोस्तों आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए न्यू न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग लाता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम प्रीव्यू का देख लेते हैं आज के वीडियो का। तो दोस्तों बिना देरी के हुए चलिए हम प्रीव्यू को देख लेते हैं, लेट्स गो। म्यूजिक। जंगल में शेर, बाघों में मोर। जंगल में शेर, बाघों में मोर। ओके तो राइट गाइस, जो आपने भी प्रीव्यू में स्टेटस देखा है, तो दोस्तों इस तरीका से स्टेटस को क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है अलाइट मोशन, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसका मोड वर्जन चाहिए तो दोस्तों हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं भी जो भी फोटो और वीडियो क्लिप यूज करूंगा, तो दोस्तों सारा चीज़ हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो दोस्तों आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो दोस्तों आप वहां से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा मटेरियल को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक द्वारा कोई भी प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम को ज्वाइन करने में, तो दोस्तों आपको सबसे पहले सर्च बार में लिखना है, टेलीग्राम को ओपन करना और सर्च बार में लिख देना है RJP Edtech। तो दोस्तों हमारा चैनल वहाँ पर भी शो हो जाएगा, तो दोस्तों आप वहाँ से सारे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसी तरीके से न्यू न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग लाता रहता हूं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मारा, दूसरा सेक इफेक्ट नाम का दो लिंक मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको इसको इनपुट करना है। तो दोस्तों इनपुट करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा सेक इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करना है, सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, वीडियो को एकदम बिल्कुल ध्यान से देखते रहना है, तभी आपका जो स्टेटस है तो अच्छे से क्रिएट हो पाएगा। अगर दोस्तों आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो दोस्तों आपका जो स्टेटस है तो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आपका ये जो स्टेटस है तो बन पाएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस तरीका से आपको यहाँ पर ग्रुप वन पर क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तों आपको एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। एडिट ग्रुप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों आप फोटो को कैसे ऐड करना होगा, तो दोस्तों आप अपनी चाहे तो फोटो लगा सकते हैं या फिर आपको लाइन यानी शेर की फोटो ऐड करना है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर शेर की फोटो ऐड करके बता रहा हूँ, तो दोस्तों आप कोई भी यहाँ पर आप फोटो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए आपको इमेज के लेयर पर क्लिक करना, कलर स्वीप पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीका से इंटरफेस खुल जाए, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना। आप जिस भी फोल्डर में अपनी फोटो रखे हैं तो दोस्तों आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद दोस्तों आपकी सारी फोटो ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। था दोस्तों इस तरीका से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर एक आग का जो आइकन है यानी इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आपको इसको एडजस्ट करना है। तो दोस्तों एडजस्ट कैसे करना होगा, एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीका से इस वाले लेयर पर क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तों आपको मूवमेंट ट्रांसफर पे आ जाना है, इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीका से यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरा पहले से एडजस्ट है, तो दोस्तों आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जूम को बढ़ा लेना है और कम कर लेना है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, एकदम आँख पर रखना है। तो दोस्तों आप इस तरीका से देख लीजिए, जैसे कि दोस्तों मेरा इफेक्ट रखा हुआ है तो दोस्तों आपको इसी तरीका से रख लेना है। इसके बाद दोस्तों ये वाला भी इफेक्ट को, लाइटिंग वाला भी इफेक्ट को आपको एक आँख पर रखना है, तो दोस्तों आपको इसी तरीका से रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको रख लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, बैक आ जाना, बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीका से फोटो ऐड हो जाएगी इफेक्ट के साथ, जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, आसान लग रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरीका से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, फिर से आपको ग्रुप टू पर क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तों आपको एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको इमेज क्लियर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार के ऑप्शन क्लिक करके
फिर से आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मेरा जो इफेक्ट है यानी कि लाइटिंग है पहले से आँख पर एकदम लगा हुआ है, तो दोस्तों आपको इसको भी एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो दोस्तों आप इस लेयर पर क्लिक करके आपको मूवमेंट ट्रांसफर पाना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारे आइकन से आपको देख लेना है। तो दोस्तों ये भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप सभी लोग कर लीजिएगा अच्छे से एडजस्ट। आँख पर आपको इसको लाइटिंग को रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, फिर से आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो को ऐड करना है। दोस्तों आपको 14.15 से लेकर यहाँ तक आपको लास्ट तक फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो कैसे ऐड करना है, तो दोस्तों आपको 14.15 पे आना है। इसके बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद दोस्तों आपको फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक करके बचे हुए भाग को कट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीका से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीका से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है, एक बार तीर के आइकन पर क्लिक करके बचे हुए भाग को कट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीका से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इसी तरीका सेम प्रोसेस करके इन जितने भी अभी यहाँ से लेकर के 14.15 से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक आपको इसी तरीका से फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम यहाँ पर फोटो को अटैच कर लेते हैं, फिर इसके आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो दोस्तों हमने सभी बीट के हिसाब से फोटो को अटैच कर लिया, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से सभी बीट पर फोटो को अटैच कर लीजिएगा 14.15 से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों आपको इस तरीके से अटैच कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होगा, आपको डायरेक्टली फिर से बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ लेयर मिल रहे होंगे, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर को कॉपी करना है। दोस्तों आपको यहीं पर इफेक्ट भी मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर को कॉपी करना है। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करके फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके आपको कॉपी वाला लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक कर देना। सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों उन सभी लेयर को पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट 12 लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका जो लेयर है तो सभी बीट के हिसाब से ऐड हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है। दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से इफेक्ट भी लग चुका है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो इमेज का लेयर बचे हुए हैं तो दोस्तों आपको उन पर फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो कैसे ऐड करना है, तो दोस्तों उन बचे हुए लेयर पर फोटो को ऐड करने के लिए आपको इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार क्रॉस पर क्लिक करके कोई भी आपको एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे कि दोस्तों आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना नॉर्मल सी, तो दोस्तों आपको फोटो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी इफेक्ट के साथ। इसी तरीके से आपको फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार क्रॉस पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको आगे की ओर आ जाना, स्क्रॉल डाउन करके फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार क्रॉस पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके जो बचे हुए हैं लेयर, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना। फोटो को ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो स्टेटस है तो बन के रेडी हो जाएगा ईजिली। तो दोस्तों आप इस तरीके से सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को सपोर्ट करना है। दोस्तों सपोर्ट करने से मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं सभी लेयर पर फोटो को ऐड करके इसलिए नहीं बताता क्योंकि दोस्तों अगर मैं सभी लेयर पर फोटो को ऐड करने लगूंगा तो दोस्तों आपका जो वीडियो है तो बहुत लंबा हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं दो चार ही लेयर पर फोटो को ऐड करके बताता हूँ। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सेम प्रोसेस करके सभी लेयर पर फोटो को अटैच कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, वीडियो की सपोर्ट करना है। तो दोस्तों सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका वीडियो सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों आपको चलिए मिलते हैं फिर से न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो।